वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज एमपी में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश में हाल ही में जमानत ए मुजाहिदीन बांग्लादेश, जेएमबी और राजस्थान में पकड़े गए आतंकियों के तार प्रदेश के रतलाम से भी जुड़ने के बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की ब्रांच अब प्रदेश में भी खुलने जा रही है। यह जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से चर्चा के दौरान दी है। प्रदेश में एनआईए, सूफा और जेएमबी जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों की जांच कर रही है। प्रदेश में लगातार आतंकी संगठनों से जुड़े लोगों को पकड़ा जा रहा है, जिसको देखते हुए नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा ऐलान किया है। एनआईए ब्रांच खुलने से देश के आतंकी गतिविधियों में लिप्त संगठनों और संदिग्ध लोगों पर सीधी नजर रखी जा सकेगी। अभी एनआईए के अधिकारी दिल्ली या देश के अन्य स्थानों से मध्य प्रदेश में ऐसी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, जिससे आरोपियों के पकड़े जाने के बाद एनआईए यहां सक्रिय होती है। एनआईए की ब्रांच के स्थापित होने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस से भी सीधा समन्वय स्थापित होगा और सूचनाओं के आदान प्रदान में आसानी होगी। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ब्रांच अब मध्य प्रदेश में जल्दी खुल जाएगी। आतंकी संगठन जो हैं, इन्वेस्टिगेशन इनका वो करेंगी, जैसे JMB का उनके पास गया है, सूफा का उनके पास गया है, इस तरह के आतंकी संगठनों के लिए ये ब्रांच मध्य प्रदेश में खुलने जा रही है। वही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज मीडिया से चर्चा में यह जानकारी शेयर की कि जल्द ही एनआईए मध्य प्रदेश में अपनी ब्रांच खोलने जा रहा है। हालांकि ये ब्रांच मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में खोली जाएगी अभी तय नहीं है। गौरतलब है कि वैसे मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र आतंकी और दहशतगर्द लोगों की गतिविधियों की दृष्टि से काफी संवेदनशील माना जाता है। सिमी संगठन और गतिविधियों का गढ़ भी मालवा क्षेत्र ज्यादा रहा है। उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, इंदौर, देवास क्षेत्र सहित भोपाल में ऐसे तत्वों की गतिविधियां ज्यादा रही हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज।